कभी-कभी ऐसा होता है कि भूख तो लगती है लेकिन सिंपल दाल रोटी या कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं करता, तो मन करता है एक बढ़िया सा सैलेड खा लिया जाए। तो ये सैलेड की रेसिपी आज मैं बताती हूँ, जिसमें मैंने ब्रोकली, गाजर, जुकीनी, मशरूम और बीन्स ले ली है। फिर एक स्टीमर बना लिया है, जो कढ़ाई में पानी नमक लेके ऊपर एक छेद वाली छन्नी ले ली है और उसमें हमारी सब्जियां डाल के उसे 4 से 5 मिनट पार बॉईल कर लिया है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें बॉईल कर लीजिएगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, सब्जियों में थोड़ी सी बाइट होनी चाहिए, नहीं तो हमारी सब्जियों का हलवा बन जाएगा भैया। अगर आपको और कोई सब्जी पसंद है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं बॉईल करके। मैंने यहाँ पे बॉईल्ड स्वीट कॉर्न और थोड़ा सा पनीर डाला है प्रोटीन के लिए। फिर मैंने इसमें ऑरिगेनो मिक्स, नमक, काला नमक, थोड़ी सी लहसुन घिसी हुई डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर लास्ट में हम इसमें नींबू डालेंगे, थोड़ा सा रोस्टेड सेसमे यानी कि तिल और रोस्टेड पीनट्स, बस और कुछ नहीं करना। 5-10 मिनट में ये सैलेड तो रेडी है ही है और बॉडी को भरमार ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं सैलेड से। इसे खाएंगे इतना लाजवाब टेस्ट आएगा कि आप बार बार इसे बनाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।